ऐसा भरिया रोडवेज की एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सरदार जी जो मस्त उत्तपम, डोसा, इडली, वड़ा सब कुछ बनाते हैं, और इनके यहाँ का पिज्जा डोसा जो है वो तो भाई साहब इतना कमाल है कि यहाँ पे लिटरली भीड़ लगती है पिज्जा डोसा खाने के लिए। उसके बाद इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दाल मखनी, पनीर और पंजाबी सब्जियां, दूध, पनीर, घी, मक्खन सब भर के। पर सबसे ज्यादा मजेदार जो चीज रहने वाली है इस एपिसोड की वो है भाई साहब एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पराठा। ये कितने इंचेस का है, कहाँ मिलता है, और भाई साहब इसका प्राइस क्या है, कितने लोग खाते हैं, कितने लोग नहीं खा पाते हैं, आपको सब बताते हैं, सब दिखाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है यार। तमिलनाडु केरला में आपको बहुत मिस किया भाई। मैंने आपको भी बहुत मिस किया, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी। मैं आने दो सर को, मैं अपना डोसा खिलाऊंगा, फिर पूछेंगे किसका ज्यादा अच्छा था। पहले से क्या भाजी? नहीं भाई, तुम वीडियो बनाई है, तुम भूल गए। बजट में पलटे ही ना उत्पम, तुम क्या वाह क्या कलर आया है, मैंने याद आया था। दो मसाला डोसा भाजी। अच्छा, दो मसाला डोसा। हाँ भाजी, वहाँ पे जो डोसे थे ना, हाँ जी, है तो ऑथेंटिक और कमाल, बट ये जो आप जो इसमें जायका डालते हो, जो स्वाद डालते हो ना, जो पंजाबी टच, पंजाबी तड़का, जी जो साउथ इंडियन जो इधर है ना पंजाब में, वो भी कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा मिलता ही नहीं। एग्जैक्टली मसाला दिखाना। ये देखो प्यार वाला मसाला, इसमें राई का तड़का है और साथ में प्याज है, कड़ी पत्ता है भाजी। कड़ी पत्ता ना आजकल मिल नहीं रहे, सीजन नहीं है। अच्छा। तो जो मिलते भी हैं वो खराब होते हैं, इसलिए अभी डालने बंद किए हुए हैं। वैसे डालते हैं पर अभी ना प्रॉपर, जैसे काले जो सड़ जाते हैं, अभी जो नेक्स्ट मतलब सीजन आएगा फिर डालेंगे। एक महीने से बंद किया हुआ, खुद ही बंद किया हुआ। मसाले डोसे में क्या क्या डालते हो अभी? ये नॉर्मल मसाला और प्याज, टमाटर और मटर। तो भाई साहब ये देखो अभी नॉर्मल मसाला डोसा बन रहा है, और भाजी एक ना वो जो अपना सीक्रेट है जो पिज्जा वाला, हाँ जी वो जरूर दिखाना पाजी, मैं तो आज वही खाऊंगा। वो आपके लिए नेक्स्ट, इसके बाद वही बना देंगे। और पाजी जो मेरे साथ नई ऑडियंस जुड़ी है उनको बताओ कि आप कब से लगा रहे हो और ये सरदार जी डोसा कैसे बनाने लगे? ये मेरे को ऑलमोस्ट 3 ईयर हो गए, 3.5 साल ही हो गए। अच्छा, पंजाबी जी आ जाने 3.5 साल हो गए। अच्छा। आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन शुरू किया ही मैं, पहले अपना और काम सीगा, फिर डिस्टर्ब हो गया ये, फिर इधर शिफ्ट हो गए। पाजी जो आपने वो स्ट्रगल का बताया था ना कि आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करते थे बाइक पे और बसेस पे, और आपने बहुत ज्यादा पेमेंट्स का कोई चक्कर पेमेंट, चलो अब तो पता लग गया था कस्टमर कौन से कैसा है, पर वो जो टाइम भी था वो भी टाइम अच्छा था, ये भी अच्छा है। पंजाबी का तो डेफिनेशन ही है ना चढ़दी कला में रहना है। चढ़दी कला तो जैसा भी टाइम था, जैसा भी टाइम है, सब अच्छा है। एक ना बताओ बैटर में भी कुछ डिफरेंट करते हो? सूजी बेसन दाल चावल, सूजी बेसन दाल चावल। कहीं पे तो कहीं सूजी बेसन का बनता है, कहीं दाल चावल का बनता है, हमने चारों चीजें मिक्स कर दी। आपने बोला कि भाई एग्जाम में 100 में से 100 हुआ। ये देखो एक डोसा तो रेडी भी हो गया है। मैं सच्ची बताऊँ मुझे सबसे ज्यादा आपकी याद कहाँ पे आई? कहाँ पे? आपने स्टॉल थी वो आंध्र प्रदेश से स्टॉल थी। ओके। और वहाँ पे ना मतलब थी बैंगलोर में, बट आंध्रा स्टाइल का डोसा था, तो वो एकदम ही अलग था। मुझे याद आई आपके यहाँ के मसाले की, वो जो इसके अंदर आप फिल करते हो, सेम एग्जैक्ट वही टेस्ट था, वो आंध्रा स्टाइल था। आंध्रा में गया नहीं ना इस बार इस ट्रिप पे, बहुत मजेदार था वो भी और आज भी। पाजी बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। सरदार जी डोसा में कैसे आ गए? सरदार जी ने ये क्यों सोचा कि डोसा बनाएंगे? हमने और बहुत सारी आइटम्स है, खाना पसंद था डोसा, ऑथेंटिक टेस्ट कह लो या फिर जो जीव को अच्छा लगे वो टेस्ट मिलता नहीं था, क्योंकि ऑथेंटिक तो कभी खाया नहीं। हाँ। है ना, जो जीव को अच्छा लगे वो मिलता नहीं था। जी जी जी। तो खुद ही बना लिया। क्या बात, अब रोज रात को खा के जाते हैं। वाह, अभी कितने खा के जाते हैं? एक तो खा ही लेते हैं। अच्छा, मिनिमम एक तो हो ही जाता है। एक तो खा ही लेते हैं। वाह जी वाह। हां, बैटर भी तो चेक करना होता है, फिर सही बनाया कि नहीं बनाया? सही नहीं, सही गल है। जबरदस्त यहां की प्रिपरेशन, और पाजी वैसे ही ना यहाँ पे बड़े खुश मिजाज है। जब आप यहाँ पे आओगे आपको लगेगा कि यार मतलब मजा ही आ गया, जैसे सरदार जी का बिहेवियर है, जिस तरीके से इनका रवैया है। आप लोगों से सीखा बिहेवियर? पाजी, हाँ जी, क्या पाजी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हम तो आपसे सीख रहे हैं, आप कहाँ से सीख रहे हैं? नहीं, हम आपके वीडियो देख के सीखते हैं पाजी। ऐसी ये तो आप बड़प्पन वाली बात, आप कहते हो ना कि कहीं भी जाते हो कि आप शुक्रिया आपने मेरे को टाइम दिया। जी जी जी। उस चीज से मतलब पता लगता है कि हाँ मतलब प्यार से बोलना चाहिए। थैंक यू, आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया पाजी। हाँ जी हाँ जी। इस पे बटर मसाला लगेगा, बटर मसाला, अमूल की टिक्की डाल देते हैं छोटी, ये लग रही है अमूल की टिक्की, और भाई इसके साथ ये बटर मसाला डोसा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा पाजी। पूरी टिक्की? पूरी, छोटी सी तो है, छोटी सी तो है। और उत्तपम देखो भाई, इसका रंग जो है एकदम रंगा रंग हो गया होगा, और रौनक आ गई भाजी इसके चेहरे पे, थोड़ी सी रह गई भाजी। आपका जो सांबर है, ओए होए होए होए, ये देखो डोसे के ऊपर ये पंजाबी ट्रीटमेंट हो रहा है, चाहे पराठा हो चाहे डोसा हो, भाई साहब यहाँ पे
मक्खन तो वैसे ही लगेगा यार। आपकी पूरी सीरीज देखी है। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। उस सीरीज में ना एक अलग ही दमखम आया हुआ था। अब ढीला होके बैठ गया हूँ थोड़ा सा कि चलो रेस्ट कर लेते हैं। नहीं अब आज यहाँ से स्टार्ट कर दो ना, दोबारा एनर्जी ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। मैं सोचता था, मैं कहा हैरी भैया, मैं कहा दो बार ही आ गए, तीसरी बार ही आएंगे। है जी, मैं सोचता था हैरी भैया दो बार ही आ गए, आप तीसरी बार ही आएंगे। मैं तो हर बार आऊंगा, जब आप बुलाओगे तब आऊंगा। और मैंने अपना जो एंगल है वो चेंज कर लिया, क्योंकि अब पिज्जा डोसा जो है वो बनने वाला है इस तवे के ऊपर। ओए हो भाजी, सारी खुशबुआ ना मुझ पानी ले आता, तुसी पहले ही हुण की करिए। ज्यादा मुझे लग रहा है लोग पसंद करते हैं आपके यहाँ का मसाला डोसा। मसाला डोसा बेस्ट, मसाला डोसा और साथ में सांभर। सांभर बेस्ट है, सांबर कोई तोड़ नहीं, तोड़ ही नहीं है। सही बात है भाई, ऐसे है जैसे दाल मखनी और सांबर जो है ना, आपने दोनों का वो एक कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर दोनों ट्राई करने हैं तो एक ही बोल में आपको दोनों का फ्लेवर मिलेगा। नहीं, आप कुछ और चेंज किया लास्ट टाइम से। अच्छा, अब और बेटर हुआ। मैं कह रहा हूँ, बाकी आप टेस्ट करके बताओ। भाजी अगर आप बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कमाल किया ही होगा आपने। और भाई साहब अभी बनने वाला है एक पिज्जा डोसा, एक चीज मसाला डोसा, एक मसाला डोसा। वाह, तो अभी देखो ये तो है जी पिज्जा डोसा। थोड़ा सा इसका बैटर हल्का सा मोटा रखते हैं। जी जी, ज्यादा नहीं, ताकि चीज नीचे ना चिपके। जी, तवे के साथ ना लगे। ये देखो भाई, ये चीज डोसा, ये पिज्जा डोसा जो है वो बनने वाला है। उधर जो है मसाला डोसा, इधर मसाला, इधर चीज मसाला। चीज मसाला और उधर मसाला। भाई देखो अभी आपको तीन अलग अलग चीजें दिखाते हैं। पिज्जा डोसा में हमने पिज्जा पास्ता सॉस डालनी बंद की हुई है। अच्छा, उससे ना थोड़ा मीठा हो जाता है, हम खुद की चटनी ज्यादा डाल देते हैं। अच्छा, हाँ। अरे वाह, वो थोड़ा साउथ इंडियन टच आना चाहिए उसमें, बिल्कुल ही इटालियन टच आ जाता है। वहाँ पे ना मैंने खाया पनीर 65। ओहो पाजी, क्या फ्लेवर था वहाँ पे, कमाल ही हो। जो साउथ इंडिया में जो खाना बनाते हैं ना, मतलब जैसे अपने यहाँ पे भी फ्यूजन फूड है। हाँ जी, वहाँ पे जो फ्यूजन है ना वो इतनी कमाल होती है, मजे आ जाते हैं। वो तो देखा है मैंने। ये देखो नीचे इन्होंने एक चटनी डाली है, चटनी ऊपर प्याज शिमला मिर्च और टमाटर, और भाई ये चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो भी है। ओरिगैनो भी, अरे वाह। और ये भाई साहब तिजोरी में से निकाले, कौन स्वीट वाले। पर ये क्या है, चीज? वो ये ऐसा लग रहा है वनीला आइसक्रीम होती है ना जैसे। भाई साहब ये देखो, ये चीज की बरसात। मी पे गया, मी मी पे गया जी। हाँ। मी पे गया। अच्छा पाजी, इसको मिक्स भी करोगे? हाँ, या मिक्स 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 पाजी, जीनी डोसा वाली फील दे रही पूरी तुसी। और इधर देखो भैया, मेरे मुंह में पता है क्यों पानी आ रहा है बार बार, सांबर इधर चल रहा है मेरे सामने। इसको मिक्स करेंगे। ये देखो भाई, मिक्सिंग इन द हाउस। अरे ये जब स्टॉल शुरू किया था तब से ये वाला? नहीं, उसके दो तीन महीने बाद, जब मेरा हाथ थोड़ा सेट हो गया था। जी जी जी, तब शुरू किया था। सोचा था पहले से वो तो, हाँ जी, पर है कि तब शुरू नहीं किया था। आइडिया कैसे आया था ये वाला, कि डोसा भी और पिज्जा भी एक ही जगह पे? पिज्जा भी पसंद था तो डोसा भी पसंद था। अच्छा, कुछ तो करने दोनों में थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बेस जो है वो मैदे का नहीं है, यहाँ पे बेस जो है वो डोसा वाला बैटर है, बट ऊपर चीज और फ्लेवर्स वही आ गए। तो अगर आप ये ट्राई करते हो भाई साहब, आपको फ्लेवर्स पूरे के पूरे वो ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स वाले आ जाएंगे। इसमें आपको बेस बेटर मिलेगा। ये देखो चीज, ओ हो सामने, वाह। और ये आपका पिज्जा डोसा या डोसा पिज्जा भी रेडी है। भाजी अपना थोड़ा गेड़ा दो सांबर का। हाँ जी। और बताओ सांबर और चटनी के बारे में। सांबर इज मेड अप ऑफ अरहर दाल एंड सम वेजिटेबल्स, राइट, एंड द तड़का ऑफ राई, राइट, हुण ते बाकी लाल मिर्चा ते हैगी हुंदियां ही है जेड़ी सुक्कियां हैगी। बाकी पांच नंबर दा सवाल है भाजी। हां जी, तुसी दो नंबर च मुकाता, पांच नंबर दा सवाल है। एनी दो नंबर वाली इंग्लिश आंदी भाजी, एनी ही आंदी है, प्लस टू पढ़े ज्यादा रही है। क्या बात है जी। और भाजी एक बार चटनियां भी दिखा दो यार, ये तो बहुत कमाल लग रहा है। नारियल चटनी, नारियल पीनट्स और मूंगफली मिक्स। ओए होए 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 होए, इसमें सारा कुछ मिक्स है। नारियल थोड़ी काट के दिखाओ भाई जी। ओ हो, नारियल पीनट्स और मूंगफली तीनों मिक्स, और ऊपर से राई का तड़का, और ये इधर गार्लिक सॉस जो पिज्जा डोसा में डाली। क्या बात है। और भाजी एक बार लोकेशन तो बता दो। लोकेशन अपनी अर्बन स्टेट फेस 1 चौपाटी अपोजिट बिली दफ्तर जलंधर। जी। टाइमिंग अपनी 5 to 10। और पाजी मिनिमम डोसा कितने का है? मिनिमम डोसा 50 का, प्लेन डोसा 50 रुपए। हाँ। रख के जेब में आ जाओ आप, यहाँ पे बोलोगे हरिया भाई तू कमाल नहीं भी है तब भी आ जाओ। सही है, क्या बात। तो भाई साहब ये आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो भाई ये पिज्जा डोसा जो है ना, ये तो लिटरली अगर मैं आके खाऊ ना तो ऐसी बाइट ले रहा हूँ। बट भाई यहाँ पे ना इसको बाइट बना के बढ़िया तरीके से, और फिर ओ हो भाई साहब ये लिए एक बाइट, और इसको चटनी में डिप कर लेते फटाफट से, एक बहुत गर्म है। एंड भाई साहब हियर इज अ हियर गोज। भाई ने जो बात बोली ना कि अगर आपको पिज्जा वाला फ्लेवर चाहिए, थोड़ा सा हेल्दी, थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट, तो भाई साहब ये पिज्जा डोसा आके खाओ।
इसमें आपको ऑरिगेनो का, वेजीज का, चीज़ का, और भाई जो सॉसेज है उसका फ्लेवर आएगा, बट जो इसका बेस है वो एकदम पतला है। दिस इज़ द थिनेस्ट क्रस्ट पिज्ज़ा एट यू कैन गेट, बहुत कमाल है। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि भाई यहाँ पे ना इनका जो रवैया है इतना बढ़िया है कि यहाँ पे आपको आप आके खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप यहाँ पे आके ट्राई ज़रूर करना। हम आगे चलते हैं। तो भाई साहब अभी हम फिलहाल आ चुके हैं सतनामिया पराठा जंक्शन पे, जहाँ का जो पराठा है और सब्जियाँ इतनी कमाल है कि आपको दिखाना मैंने सोचा कि जरूरी है। भाई बाजी सत श्रीकाल। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह जी। बाबा जी एक पहले तो ये दसो भी कितना पुराना ढाबा है, कितना पुराना ढाबा है सर ये? 1954 तो है। 1954। वाह जी वाह। चाह दा काम सी पहला, कल्ला चाह दा काम सी। अच्छा जी, परदादा जी दे होंदे। अच्छा, आपके परदादा जी जो है वो मैंने सुना है वो पहले हिंदू फैमिली से थे। जी जी जी। और उन्होंने हर एक को बोल वाहेगुरु वाहेगुरु और करके सतनाम कहेगा तो चाय देनी, नहीं तो नहीं देनी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। तो सतनाम कहो तभी चाय मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्या क्या होता है यहाँ पे? इतने वाहेगुरु जी हूँ परौंठे है अपने को, रोटी है, अच्छा चाय है, सब्जियां ने जी, जिदा है पनीर सब्जी बनती पी है, शाही पनीर बनता पे बन रहा है जी, शाही पनीर बनता देसी स्टाइल है जी। अच्छा हाँ जी। इसमें बाजी क्या क्या डाल रखा है आपने? ए तड़का जी, टमाटर प्याज का, बाकी मसाले है। अच्छा जी, ये जो तड़का लगे हुए है जी, और नाल देखो उधर पनीर के क्यूब्स कटे हुए हैं, और भाई ये दूध आ गया है, एकदम कमाल की ये रेसिपी लग रही है। ये देखो भाई, ये तो बन रहा है शाही पनीर जी भाई, और एकदम कमाल लग रहा है ये। इसके साथ ये आ गया जी दूध, ओए होए होए बल्ले बल्ले होगी भाई जी। ये ग्रेवी दूध ही बननी है जी। अच्छा, ये जो पानी नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ मसाला ते दूध? दूध। वाह, सारा दूध का काम है, एक क्रश हो रहा है। अच्छा, पनीर नु क्रश करके भी पाने हो जी? वाह जी वाह, ये साडा स्पेशल है जी। अच्छा, और दूध? ओ भाई हां जी भाजी, ये साहब है ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਡਡ ਭਾਈ, ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਨੀਰ ਹੀ ਪਨੀਰ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਔਰ ਦੂਧ ਹੀ ਦੂਧ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਣਾਏ ਭਾਜੀ, ਪਿਆਜ ਲਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਪਿਆਜ ਲਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਔਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਆਲੂ ਮਟਰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਕਸ ਵੈਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਗਰ ਟਾਈਪ ਕੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾੜੀ ਗਾੜੀ ਇੱਕਦਮ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਟਾਈਲ ਮੇਂ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਮਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਗਏ ਰਾਜਮਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਨਾ ਆਪਕੋ ਦਾਲ ਰਾਜਮਾ ਪਨੀਰ ਇਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਢਾਬੇ ਪੇ, ਬਟ ਯਹਾਂ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਤੜਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਗਾਤੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਨਾ। ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜੀ, अभी देखो ये, ओ भाई कढ़ी का रंग देखो, कढ़ी पकौड़ा एकदम मस्त। भाई साहब अभी हमारे साथ है जी सिमरनजीत सिंह जी। भाई सत श्रीकाल। भाई खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। भाई जी की हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया वाहेगुरु, तुसीं सुनाओ? सेहतां बस बहुत वधिया सर। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜੰਬੋ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਸਰ ਫਿਰ ਜੰਬੋ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਬੋ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਛਕੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਸਟਫਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ, ਆਲੂ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਨ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਈਏ ਜੰਬੋ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ। ਇਹ ਸਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 ਫੁੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਇਹ ਪੇੜੇ ਸਰ, ਕਿਆ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਵੇਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿਹੜਾ, 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਸਟਫਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਏਗੀ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, 2 ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੰਬੋ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 3-4 ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਰੌਂਠਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਹੈਗੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਜਣੇ ਖਾ ਗਏ ਭਾਈ? ਖਾ ਗਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ।
ये पंजाबियों के लिए बनाया हुआ, पंजाबियों के द्वारा बनाया हुआ पराठा है। जी 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 बिल्कुल भाई साहब, जबरदस्त है। दिखाइए सर इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्या हो रही है जी? मिक्स स्टफिंग। अच्छा, ये स्टफिंग है जी। ये सर आलू है, गोभी है, प्याज है। अच्छा, हल्का हल्का पनीर भी है। जी जी जी, ठीक है जी। बाकी साडे मसाले भी ने जी। मसाले कोई सीक्रेट मसाले नहीं होंगे कभी। अच्छा जी, ये गल सच्ची हैगी है। जी जी जी, मसाले वही नॉर्मल ही होंगे ने। अच्छा जी, नमक है, अजवाइन है जी, ठीक है जी, हल्की जी लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, धनिया है जी, ठीक है जी, कसूरी मेथी हल्की जी होंगी है। अच्छा जी, यही सारे मसाले होंगे ने। बस ये है कि बनाओ खुशी नाल जी, ते खवाओ खुशी नाल। वाह वाह वाह, ते तुसी पॉपुलर पॉपुलर भाजी। ये तो बहुत ज्यादा ही, 3 फुट लंबी खुशी होगी। ये तो खुशी भी 3 फुट तो उत्ते जाएगी। 3 फुट तो उत्ते खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, ये दूजा बेड़ा आ रहा जी, साडा आ गया जी, ऊपर से उत्ते जाएगा जी। भाई ये उठाना और संभालना भी बड़ा औखा है जी, ते वेलना भी बड़ा औखा है। मगर उस्ताद ही चाहिदा जी। हां, गुरु साहिब दी कृपा नाल जी अही कंसेप्ट सोचे ने ते बनाए ने। बनानी बहुत औखी है। 3 फुट बड़े बड़े पराठे बनाते हुए वो या तो तवे में ही बनाते हैं या फिर वो और तरीके उन्होंने अपनाए हुए फ्लिप करने के या मोड़ने के। आप तो लाइव तवे पे पराठे की तरह बना रहे हो इसको। उन्होंने सर औजार बनाए ने अपने वास्ते जी, क्योंकि उन्होंने को पलटिया नहीं जाता जी। जी जी, औजार कुछ बनाए ने उन्होंने ना, एडे एडे वड्डिया प्लेटा छप के उन्होंने वेल्डिंग करके हैंडल लाए ने। हाँ, तो आराम नाल कोई भी नवा बंदा भी पलट सकता जी। मगर जी आ चीज है ये वास्ते सच्चे पातशाह की कृपा नाल तजर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। हथी असी काम किया उन्हें सानू ये चीजा दसियां। वाह वाह वाह। और एक अंकल जी का जो इस दुकान से जो उन्होंने किरत की है ना जी, जी सारी ओरी गेम है। वाकई वाकई बापू जी की बहुत कमी खलती है जी। जी, तो वह कमी तो पूरी नहीं हो सकती, मगर यह है कि कोशिश कर रहे हैं कि डैडी होना का जो लाया बूटा उन्हूं अगे सिंचिए। हाँ, अगे चलीए, अगे सिंचिए उन्हूं बड़ा करिए। हेलो जी, हाँ देखो सर, भाई साहब ये देखो अभी साइज एक बार दोबारा से आपको दिखाते हैं। लो सर भाजी 40, ये तो बढ़ता ही जा रहा है भाजी। 41 हो गया जी, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज सर 41 का हो गया जी। आज 41 इंचेस का पराठा बन गया भाई साहब, ये जबरदस्त। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सर लगा ही देसी के हो जी। ओ भाई, इसके ऊपर तो देसी घी भी, कड़छियों की कड़छियां पड़ेंगी पूरी जी। ਭਾਜੀ ਆਮ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋ ਪਰੌਂਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਭਾਈ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੜਛੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ। ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿਣਿਆ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, 40-41 ਇੰਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ 40 ਇੰਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਰਾਂਠਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਬੜਾ ਪਰਾਂਠਾ ਆਪਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਔਥੈਂਟਿਕ ਪਰਾਂਠਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਲਿਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਵੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇ ਘੁਮਾ ਦਿਆ ਯਾ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜੀ ਜੀ ਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ और ये पराठा चाहे आप छोटा वाला लो चाहे बड़ा वाला लो टेस्ट सेम आएगा ऐसा नहीं है कि आपको एक तरफ दो ज्यादा लगेगा या एक तरफ से पराठा मोटा लगेगा भाई साहब मेरे साथी ब्लॉगर्स जो है वो भी आ चुके हैं यहाँ पे और हर तरफ से यहाँ पे कैमराज जो है वो सब तरफ से निकल चुके हैं क्योंकि भाई कुछ बहुत बड़ा कुछ बहुत आइकॉनिक हो रहा है ये देखो इसको अब खोल लिया जाएगा जी बिल्कुल यहाँ से जिस तरीके से सतनामिया पराठा के बाकी पराठे पकाए जाते हैं उसी तरीके से इसको भी पकाया जाएगा एक एक करके इसके लेयर्स जो है वो सब तरफ से इसको अनबॉक्स कर लिया जाएगा भाई अभी कितने व्यूज आएंगे आज कितने व्यूज आएंगे है जी बिलियन आएंगे बिलियन आएंगे वाह पाजी अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं साथ के साथ ये फ्यूचर जनरेशन है ये एडिट करके साथ के साथ अपलोड कर देते हैं हमें टाइम लगता है थोड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड हो गया लो जी लो क्या चल भी कर नहीं नहीं इदा इदा ही करेंगे लो सर ए भाई लगा जी ये हुन खुलना जादू दा पिटारा वाह 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 भाजी ये तो 1/2 हो गए जी बिल्कुल सर चाहे 40 नहीं है तो 82 हो गए बिल्कुल ये भाई साहब 41 इंचेस से सीधा 82 इंचेस हो गया है। ये दोनों का प्राइस 400 है कि दोनों का अलग अलग 400 नहीं सर दोनों का प्राइस 400 टोटल जी सर ओ भाई टू मच पराठा फॉर 400 रुपीज बहुत ज्यादा हो गया और पाजी आप अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन दो इस पराठे के साथ क्या खाना चाहिए सर साडे पंजाबियों नु परौंठे दे नाल ते कल्ला दही चाहिए जी 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 दही ते मक्खन जी और कुछ नहीं होना चाहिए जी हां क्योंकि जो टेस्ट दही ते मक्खन ना आना बिल्कुल आनंद ते जे किसी ने सब्जी खानी होवे कोई बिल्कुल है केड़ी नहीं केड़ी वधिया जी असी सफे सॉरी चिट्टे छोले जेडे सब तो वधिया होणगे अच्छा जी वाह नाल जे तुसी कहो लस्सी ते लस्सी भी हैगी वाह 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 भाई इधर देखो ये पराठे है भाई साहब ये हमारे पंजाब के मतलब इतने हैवी ड्यूटी पराठे हैं और इसके साथ ये पाजी कौन सी प्लेट में देते हो ये सर एक प्लेट नहीं लगनी जी अच्छा ये ऐसे तीन प्लेटा लगनियां जी एक प्लेट जांदे ही नहीं क्या बात है मैं वही सोच रहा था भाई अभी कोई बड़ी सी प्लेट निकालोगे आप हाँ कढ़ांगे जी अच्छा बस ये है कि थोड़ा जा बिजी थे और चीजा जी 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 ते ओ वेसल्स एदे वास्ते बनेंगे जरूर बनेंगे भाई यहां पे खली अगर आ गया ना ग्रेट खली वो खा जाएंगे एक पराठा बिल्कुल जी वो खा जाएंगे उन्होंने आ जाना जी उन्होंने आ जाना सर बस हम प्लेटिंग करेंगे जी आ देखो जी ये परोठे आएंगे तीन प्लेट में पूरा आने वाला पराठा है भाई हेलो सर ये तीन प्लेटें और दो भाई पकड़ के उठाते हैं इसको वाह 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 भाई साहब जबरदस्त हो गए ये तो नेक्स्ट लेवल की आइटम बन गई है तो भाई साहब इसमें से स्वाद बटांदरा जो है हम अभी करते हैं मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से बाइट लूँ भाई क्योंकि असली स्टफिंग तो यहीं पे है ना तो यहाँ से एक बढ़िया सी बाइट जो है वो लेते हैं एंड इसको डिप करते हैं पहले तो इस चटनी के अंदर और भाई साहब इसके साथ ही ये दही और हियर भाई साहब सबसे पहले तो साइज इसका पराठे का साइज ऑलमोस्ट 42 इंचेस हो गया है और इतना हैवी ड्यूटी पराठा है ये कि अगर आप 6 लोग भी आते हो यहाँ पे खाने तो आपका शाम का नाश्ता जो है वो आराम से हो जाएगा और मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि करारा हो गया एकदम बढ़िया तरीके से ऐसा नहीं है कि साइज़ बड़ा है तो कहीं पे इसमें लम्प्स है या कहीं पे डो मोटा है कहीं पे पतला है एकदम अच्छे से कुक करके करारा करके और फिर उन्होंने इसको 3-4 बार फ्लिप करके फिर दिया है हियर गोज़ बहुत सारी ऐसी आइकॉनिक चीज़ें होती हैं जो ऐसे मतलब दिखने में बहुत अच्छी होती हैं और ऐसा लगता है कि यार ट्राई करने में वर्थ नहीं थी बट ये अगर आप अपनी फैमिली के साथ आके ट्राई भी करते हो तो आपको लगेगा कि यार नहीं ये टेस्ट में भी अच्छा है बहुत ज़बरदस्त है बहुत कमाल है और इसमें मेहनत बहुत लगी है तो यहाँ पर आके आप वर्किंग डेज पर छुट्टी वाले दिन नहीं वर्किंग डेज पर आके आप यहाँ पर ट्राई करो आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है यार